और राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ 4 दिवसीय इंडियन आर्ट फेस्टिवल। अलग अलग राज्यों की चित्रकारी को और कला को देखने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वैसे तो दिल्ली में कला प्रदर्शनी लगातार देखी जा सकती है। तमाम कलाकृतियों को किसी न किसी कलाकार की रचनाओं के अलग अलग आयामों को दिखाती ही रहती है। लेकिन पिछले करीब एक दशक से इंडिया आर्ट फेस्टिवल अपनी पूरी भव्यता और संस्कृति रंगों को समेटे के एक अनूठी पहल करता है। इस बार भी 2 से 5 नवंबर तक दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में कला की एक नई दुनिया में तब्दील होने जा रही है। यहाँ पर करीब 400 से कलाकारों के द्वारा 3500 से ज़्यादा कलाकृतियों दिखाया जाएगा। इन कलाकारों के लिए 100 कलात्मक बूथ भी जो है वो बनाए गए हैं। सर एक बार अपना नाम बताते हुए आप आयोजक हैं और क्या कुछ खास है इस बार के लिए? मेरा नाम राजेंद्र पाटिल है। इंडिया आर्ट फेस्टिवल का मैं फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ। इंडिया आर्ट फेस्टिवल का ये 8वां साल है यहाँ दिल्ली में, और अगर हमारी कुल जो आवृत्तियाँ है मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर देखा जाए तो ये 25वीं इंडिया आर्ट फेस्टिवल की एडिशन है। और इसमें खास बात यह है कि यहाँ इस साल इंडिया से ऑलमोस्ट सभी स्टेट से, जम्मू से लेकर तमिलनाडु और गुजरात से लेकर आसाम, नॉर्थ ईस्ट से आर्टिस्ट आए हुए हैं। अलग अलग प्रकार के आर्ट है यहाँ। आर्टिस्ट अगर देखे जाए आप तो एमर्जिंग आर्टिस्ट से लेकर यंग, मिड करियर और एस्टैब्लिश नाम्स भी है। और आप देखा जाए तो यहाँ पूरा हिंदुस्तान एक छत के नीचे आया है। ये सारे हमारे रंगों को एक साथ नीचे लाया है। अलग अलग थीम की, अलग अलग टाइप की कला है यहाँ। लैंडस्केप है, फिगरेटिव आर्ट है, रिलीजियस आर्ट है, पोर्ट्रेट्स है। और ये कला का जो महोत्सव है ये अभी 12 साल से कंटिन्यूसली हो रहा है मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में। और ये 8वीं जो एडिशन है इसमें सबसे ज़्यादा इस बार आर्टिस्ट आए हैं, करीब 400 आर्टिस्ट है यहाँ पे सारे स्टेट से। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ, आपको जो दृश्य कला में करंट ट्रेंड चल रहे हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये शो आज से शुरू होता है 2 नवंबर से 5 नवंबर तक, रविवार तक ये चलेगा, हर रोज 10:30 बजे से 8:30 बजे तक। आर्ट फेस्टिवल में ऐसी पर्टिकुलर थीम तो कोई एक आर्टिस्ट की है नहीं, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार की आर्ट लगाई हुई है, यहाँ ट्रेडिशनल आर्ट से लेकर जहाँ हमारी पिचराई पेंटिंग है, जहाँ राधा कृष्णा का एक अनोखा चित्रण दिखाया जाता है, यहाँ फिगरेटिव आर्ट है जो जिसमें अब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, सेमी अब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, रिलीजियस आर्ट है, लैंडस्केप्स है और बहुत अलग अलग तरीके के लैंडस्केप्स है, तंत्रा आर्ट है। लैंडस्केप में आप सिटीस्केप है, लैंडस्केप में यहाँ पे देखा जाए तो आपके सीस्केप्स है और बढ़िया फ्लावरस्केप्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जो थीम है आपको हर टाइप की थीम, हर टाइप की आर्ट देखने को मिलेगी। ऐसा कोई माध्यम नहीं है, जल रंग से लेकर तैल रंग, ऑयल कलर, एक्रेलिक, टोटल यहाँ पे 100 स्टॉल लगे हुए हैं। और 100 स्टॉल में करीबन 3,500 पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और फोटोग्राफी ये लगे हुए हैं। वो टोटल 400 आर्टिस्ट की यहाँ कलाकृतियाँ लगी हुई है। एंट्री जो है यहाँ पे हमारे जो शो है 80% जो इनवाइटीज है वो तो इनवाइटीज शो है, और यहाँ पे एंट्री टिकट है 299 रुपीज, जो बुक माई शो से टिकट अवेलेबल है। यहाँ भारत के सारे राज्यों से जो चित्रकार शिल्पकार आए हैं वो अपनी अपनी कला, अपने अपनी जो रीजनल आर्ट है वो फ्लेवर्स लाए हैं। जैसा कि यहाँ अगर आप मिथिला रीजन ले लिए, बिहार का मिथिला आर्ट है यहाँ पे, गुजरात की यहाँ पे, राजस्थान की आर्ट है, पिछवाई आर्ट है, नादौरा की पेंटिंग्स है, और जम्मू से बसोली स्टाइल से लेकर दूसरी स्टाइल भी यहाँ पे सारी स्टाइल देखने को मिलेगी। देख सकते हैं।